अक्सर हम इस बारे में इनसिक्योर होते हैं कि हमने अपनी लाइफ में अपना गोल अचीव नहीं किया। हम इस बारे में भी इनसिक्योर रहते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है और कितने पैसों की कमी है। हम इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ गिरे जा रहे हैं। हम उन चीज़ों के बारे में भी इनसिक्योर हो जाते हैं जो हमारा हो या ना हो। वी गेट सो फकिंग इनसिक्योर अबाउट एवरीथिंग, और उस पॉइंट में कोई एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि हम डरते हैं कि लोग हमें जज करेंगे उन चीज़ों पे जो हमारे पास नहीं है। मान लो आपको एक इंटरव्यू देना है, बट आप डरते हो कि इंटरव्यूअर आपको जज करेगा और आप लास्ट में इंटरव्यू देने ही नहीं जाते। उसकी वजह से आपके पास एक ऐसी जॉब होती है जो आप पसंद नहीं करते, और आप अपने आप को कोसते हो कि आप इंटरव्यू देने क्यों नहीं गए। आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उससे आपकी सेल्फ इस्टीम में कमी आती है और आप ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, और फिर ये चीज़ एक इनफाइनाइट साइकिल बन जाती है। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। फैक्ट ये है कि जब आप कुछ चीज़ शुरू करते हो, आपके पास कुछ नहीं होता है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे पास नहीं है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए, जबकि इससे प्यार करना चाहिए। लव द सिटी कार दैट यू ड्राइव, लव द स्ट्रगल, लव इट ऑल। लाइफ एक जर्नी है और आपका स्टार्टिंग पॉइंट यही है। इसी वक्त आपके पास अभी कुछ नहीं है, बट मोस्टली सबके पास कुछ नहीं होता शुरुआत में। समय के साथ साथ कड़ी मेहनत से हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। अंत में आप वापस मुड़ कर देखोगे वो समय अपनी ज़िंदगी का, और मुस्कुराओगे, प्राउड फील करोगे कि यार इतने स्ट्रेस को ओवरकम करके अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक सक्सेसफुल लाइफ के पास। लोग आपको किस बात से जज कर रहे हैं उसे भूल जाओ, ये बस कुछ समय की बात है। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, वो लोग फिर खुद सोचेंगे कि आपको जज करके उनका ही टाइम वेस्ट हुआ है। फॉर नाउ जस्ट इन्जॉय हैविंग नथिंग। लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस पे ध्यान मत दो, ये सोचो कि कितनी पावर है खुद की प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने में, और उसी पावर से अपने एक्शन लेके देखो। आप हर चीज़ एक कॉन्फिडेंस के साथ करने लग जाओगे।